सती कहता है, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है, ये विज्ञान भी कहता है, भगवान ने विज्ञान समझा दिया। महाराज कर्म मीमांसा की पूर्व मीमांसा के सिद्धांत को भगवान ने ऐसा प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न किया और भगवान समझाए समझ में ना। नंद बाबा को भगवान ने कहा, बाबा ये गिरिराज हमारे बीच की रक्षा करते हैं, हमारी सारी गाय गिरिराज को पोषण होती है, गिरिराज से पोषण होती है, इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करो। जब बार बार भगवान ने कहा, अंत में ठाकुर जी बोले, ये तक मन मतम दाता वेताम जी रोजते, यदि आपको अच्छा लगे तो मैं तो कहता हूँ ये मेरा मत है, आप गोवर्धन की पूजा करो। और जैसे ही भगवान ने मत दिया, फिर तो सब ब्रजवासी भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाने लगे। हित भी तभी है जब आप भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाओगे, अपनी इच्छा चलाओगे परेशान हो जाओगे। एक बाबा थे, वो नर्मदा जी पार कर रहे थे, तो नर्मदा जी पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नाव में छेद हो गया, छेद हुआ नाव में पानी भराने लगा, तो जितने लोग बैठी मरेंगे तो ये बाबा मार देगा, ये पानी बाहर अंदर डाल रहा है, बाहर का पानी। लोगों ने बाबा को पकड़ा और फेंक दिया महाराज, तो बाबा को फेंका तो बाबा तो जहां गिरे वहां कुछ टापू था, कमर कमर पानी में बाबा खड़े हो, लेकिन जब तक बाबा को संभाल पाते तब तक नाव भवन में पड़ी, सब मर गए। बाबा हंस रहे थे, लोगों ने पूछा, बाबा आप हंस क्यों रहे हैं, आप बच गए ये लोग मर गए, जबकि काम तो आप मरने का कर रहे थे। बाबा बोले, भैया हम मरने का काम नहीं कर रहे थे, हम तो भगवान की इच्छा में इच्छा मिला रहे थे, हमने देखा कि नाव में पानी भरा रहा है मतलब तो भगवान की इच्छा है पानी भराए, तो हमने कहा इसको और जल्दी भर देते, ठाकुर जी की इच्छा है, तो हमने भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाई तो बच गए, जिन्होंने भगवान की इच्छा का प्रतिकार किया सब मर गए। तो ठाकुर जी की इच्छा में इच्छा मिलाओ, सब लोगों ने भगवान के मन में मन मिलाया है, सब गोवर्धन पूजन करने जाने लगे। आइए हम लोग भी गोवर्धन पूजन करें, सम्मानीय